नौतन प्रखंड क्षेत्र के मंगलपुर कला पंचायत के वार्ड नंबर 8 के बरियारपुर गांव में एक लगभग 13 वर्षीय किशोरी की शनिवार के दोपहर पानी में डूबने से मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने बताया कि मृतक बच्ची की पहचान मुन्ना मुखिया के लगभग 13 वर्षीय किशोरी सुंदरी कुमारी के रूप में हुई है। मृतक किशोरी की माता ललिता देवी ने बताया कि बेतिया गोपालगंज हाईवे के पश्चिमी साइड में धान की रोपानी हो रही थी। किशोरी खाना लेकर आई थी, लौटने के क्रम में गहरा पानी में चली गई जिससे मौत हो गई। मौत की खबर सुन ग्रामीणों की हुजूम नदी की तरफ उमड़ पड़ा। ग्रामीणों की खोजबीन के बाद बच्ची के शव को बाहर निकाला गया। खबर प्रेषित किए जाने तक घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची थी। बोर्ड बिछलने से मृत्यु हो गई है। थाना लेकर गई थी। R9 भारत के लिए मखन कुमार की रिपोर्ट, नौतन से। पूर्वी चंपारण के चकिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सुमित्रा यादव ने खाद तेल तक घरेलू गैस पेट्रोलियम आदि सामानों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरा। सुमित्रा यादव ने कहा कि आम आदमी की इस महंगाई में जीना मुश्किल हो रहा है, रोजगार देने की बात तो दूर, आम इंसान के समक्ष रोटी का संकट खड़ा हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश कुमार श्रीवास्तव ने की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अनुसार हम कांग्रेस कर्मी सभी अपने पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में महंगाई का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी महंगाई के बाद सरकार में महंगाई की यह स्थिति है कि रोजगार बंद है और महंगाई चरम सीमा पर है। आप एक बार बताएंगे, मैं बोलना चाहूँगी, आज भी जैसे हमने न्यूज में देखा है कि 35 पैसा पेट्रोल पर बढ़ोतरी हुई है और 35 पैसा डीजल पर बढ़ोतरी हुई है। आए दिन तेल में बढ़ोतरी हो रही है। आम आदमी, एक सड़क का गरीब और टाटा बिरला से लेकर सभी लोग बिना तेल का खाना नहीं खा सकते हैं। अगर हम चावल दाल और भरता भी खाते हैं तो उसमें भी दो बूंद तेल की जरूरत होती है। तो मोदी सरकार एक गरीब का भी खून तेल के माध्यम से वह चूस रहा है, तेल पर दाम बढ़ा करके। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, महंगाई का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमारी उनसे हम लोग अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अति शीघ्र पेट्रोलियम पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का जो दाम है उसको कम करें, महंगाई को कम करें, ताकि गरीब जनता जी सके। अगर जनता नहीं जिएगी तो सरकार किस चीज़ की। इसीलिए बीजेपी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। R9 भारत के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के मठाई चौक पर NH 107 के चौड़ीकरण को लेकर कुछ दिनों से कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन चौक पर दुकानदारों ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रखा है। जब NH 107 मधेपुरा सहरसा मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पिछले लगभग 3 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन पूर्व में 2 बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी कार्य अधूरा ही रह गया। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन के आदेश पर NHAI का कार्य मठाई चौक पर तेजी से करने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें बीते बुधवार को सदर SDM नीरज कुमार जब अतिक्रमण हटवाने पहुंचे तो रोड से सटे अधिकांश घरों एवं दुकानों को तोड़ा गया। जबकि पूर्व में हटाए गए अतिक्रमण के बाद भी चिन्हित जगहों से अधिक निजी जमीन को खाली करवाने की बात कही जाने एवं बुलडोजर चालक के द्वारा मनमानी ढंग से बिना सूचना के चबूतरा को तोड़ने पर स्थानीय लोग भड़क गए, नापी कर उचित सरकारी जमीन खाली करवाने की मांग करने लगे, जिस पर SDM ने अगले दिन नापी करने की बात कही। इसके बाद सदर SDM ने शुक्रवार को अमीन के द्वारा नापी करवाया। नापी में ग्रामीण अपने 4 निजी अमीन एवं जिला प्रशासन 2 सरकारी के द्वारा नापी करवाया गया, जिसके बाद फिर से एक नई जगह को चिन्हित किया गया। अब फिर से नई जगह को चिन्हित करने पर लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर दिख रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब 2-2 बार अतिक्रमण करने वाली जगह को चिन्हित किया गया तो फिर तीसरी बार ऐसे कौन सी नौबत आ गई, फिर से चिन्हित किए हुए जगहों से दूसरी जगह को चिन्हित कर फिर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो 3 साल में 3 बार अतिक्रमण हटवाया गया है और 3 बार अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहीं एक विधवा महिला ने घर नहीं तोड़ने का SDM के सामने गुहार लगाती नजर आई। ज्ञात हो कि पिछले साल दूसरी बार अतिक्रमण हटाने के बाद एवं चिन्हित जगहों को छोड़कर उक्त महिला ने बहुत ही दुख झेल कर एक बेटे के सहारे अपने छोटे से निजी जमीन में छत का घर बनाई थी, लेकिन शुक्रवार को छत का कुछ अंश तोड़ने की नाम सुनते ही वो रो पड़ी। वहीं SDM से घर बचाने की गुहार लगाकर उचित मुआवजा की मांग करती नजर आई। नापी के बाद ग्रामीणों की माने तो सरकार अमीन के द्वारा स्थान को चिन्हित किया गया और एक दिन के अंदर जगह खाली करने का निर्देश भी दिया गया। R9 भारत के लिए अमीर आजाद की रिपोर्ट, मधेपुरा से।